जय लक्ष्मी माता। मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि घर की लक्ष्मी घर की पत्नी घर की महिला होती है। घर की महिला का सम्मान करना साक्षात माता लक्ष्मी का सम्मान करना। हिंदू शास्त्रों में कहा गया, यत्र नारेस्तु पूजते रमन्ते तंत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। इसीलिए घर की पत्नी को, घर की बहू बेटी को घर की लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए यह जो भी कार्य हमारे लिए करती है उसका सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दोनों हमारे घर के ऊपर पड़ता है और उसी के अनुरूप हमें अपने जीवन के अंदर परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे सबसे पहले तो पुरुषों से निवेदन है कि घर की महिलाओं को कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर घर की महिलाओं को कुछ तकलीफ होती है तो समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी को तकलीफ होती है। दोस्तों, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर नारी पूजा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। साल के अंदर 4 नवरात्र माने जाते हैं। 2 गुप्त नवरात्र आती है और 2 नवरात्र आती है जो आपको सब जग जाहिर है। दोस्तों, इसीलिए घर की महिलाओं की पूजन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और एक सुगत परिवार तभी माना जाता है तब पति पत्नी दोनों हंसते खिलखिलाते अपने घर के अंदर सुखद जीवन व्यतीत करें। उस घर के अंदर दोस्तों आधी से ज़्यादा परेशानियां तो ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर की महिलाएँ करें अगर यह 4 कार्य तो उस घर के अंदर कभी भी नहीं आती है गरीबी और उस घर के लोग सदा रहते हैं सुखी और धनवान। दोस्तों, सबसे पहला एक श्लोक है, भार्या च पत्नी तव कार्य परंतु सुखीन, अर्थात कि पत्नी भार्या का अर्थ होता है पत्नी जो भी कार्य करती है उसी के अनुरूप घर सुखी होता है। अर्थात कि अगर आपकी पत्नी गुणवती है, चरित्रवान है और वह सदैव अपने परिवार का हित चाहने वाली होती है, ऐसी पत्नी जो दूसरों के सामने अपने परिवार की पोल न खोले, अर्थात कि अपने परिवार के बारे में हाँ कैसा भी हो क्यों ना हो वह सदैव अपने परिवार की शोभा करे, तो समझ लीजिए कि उस परिवार के ऊपर कभी भी किसी तरह का कोई आंच नहीं आती। कई बार क्या करती है कि महिलाएं अपने आपे से बाहर हो जाती है या भोलेपन में अन्य महिलाओं को अपने पति की जो ऐसी बातें होती है जो किसी अन्य को नहीं बतानी चाहिए वह उन लोगों को बता देती है, जिसकी वजह से परिवार के बीच में खलल होती है। लोगों को आपके परिवार का गुप्त चीजें क्या होती है वह मालूम चल जाती है, जिसकी वजह से घर के अंदर आर्थिक कलह रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है और साथ ही साथ सामाजिक मान सम्मान भी कम होता है। तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपसे जो भी महिलाएं ऐसा सवाल पूछती है उनको इस तरह से बताना चाहिए जिससे आपके परिवार की शोभा हो। दोस्तों, दूसरा यह कार्य है, सुबह के समय दोस्तों देवताओं को धरती पर रमणीय काल होता है और इस समय देवता धरती पर निवास करते हैं। इस समय दोस्तों अगर घर की महिलाएं सुबह सुबह घर की सफाई जल्दी कर देती है और साथ ही साथ पवित्र तुलसी माता को सुबह के समय जल अर्पित करना और रविवार विशेष के दिन अगर आप हल्दी मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो समझ लीजिए उस घर की महिलाओं का उस घर के अंदर यश मान सम्मान कीर्ति होता है और साथ ही साथ उस घर की महिलाएं सदैव खुश रहती है, जिसकी वजह से उनका घर का पूरा घर परिवार खुश रहता है और उनके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं आती, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है और वैवाहिक जीवन को मजबूत करने के लिए सूर्य ग्रह बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, इसी तरह कई बार महिलाओं के अंदर एक आदत होती है, सामान्य गुण होती है कि किसी भी तरह की कोई भी बात लंबे समय तक वह टिका नहीं पाती, जिसकी वजह से उनके घर के अंदर आर्थिक कलह या लड़ाई झगड़ा होता था कि वह इधर की बात उधर करने के गुणवती होती है। दोस्तों, अगर आप इन गुणों को छोड़ देती है तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आने वाला है। यह गुण बड़ा घातक होता है, यह गुण आगे चलकर आपके परिवार को एक तरह से विखंडित कर देता है। लेकिन यह कार्य जो महिलाएं नहीं करती है बल्कि ऐसा करने वालों को टोकती है, उस घर की महिलाएं सदैव खुश रहती है, उस घर के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। दोस्तों, इसी तरह जिस घर की महिलाएं रात्रि होने से पहले दोस्तों घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन नहीं छोड़ती है और साथ ही साथ अपने पति की कहना मानती है,
पति व्रता होती है उस घर के अंदर दोस्तों कभी भी कष्ट नहीं आते, लेकिन उतना ही वापस पति को होना चाहिए कि वह बात बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें, और साथ ही साथ वह अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझने वाला व्यक्ति होता है तो उस घर के अंदर दोस्तों वह घर अपने आप ही देवताओं का आवास बन जाता है। उस घर के अंदर कभी भी नकारात्मक शक्ति नहीं आती है और उस घर के अंदर दोस्तों सदैव सकारात्मक शक्ति बनती रहती है, जिसका बहुत बड़ा कारण है कि आपको इसी के अनुरूप कार्य करना होगा, अन्यथा आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। दोस्तों इसी तरह घर की महिला घर की लक्ष्मी होती है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घर की महिलाओं के साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार पुरुषों को नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके जीवन के अंदर बुरे क्षण आने वाले हैं और आपको कभी भी किसी तरह का कोई फायदा नहीं होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप घर की महिलाएं घर के पैसे संबंधित कामकाज बहुत अच्छे से कर लेती है, अर्थात कि महिलाओं को जो जिम्मेदारी दी जाती है घर के पैसे वास्तव में घर की महिलाओं को ही संभालने चाहिए, क्योंकि एक तरह से लक्ष्मी का दूसरी लक्ष्मी के पास प्रवेश होता है, और जो महिलाएं ऐसा करने के अंदर सफल हो जाती है अर्थात कि वह बरकत अपने घर के अंदर करने लगती है, अनावश्यक खर्च से बच जाती है, समझ लीजिए कि उस घर की महिला साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। उस घर के अंदर अपने आप ही ऐसे गुण आ जाते हैं जिनकी वजह से धन का ठहराव उनके घर के अंदर अपने आप ही हो जाता है, और घर के अंदर पैसों की जिम्मेदारी महिलाओं घर की जो बड़ी महिला होती है उसे जरूर संभालनी चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के ऊपर सुख शांति रहती है और किसी भी तरह के बुरे कामों का असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है। दोस्तों ये विशेष तौर से देखा जाए, और अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि घर की महिलाओं को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिसकी वजह से उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता और साथ ही साथ ऐसे करने से आपके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होती है धन आगमन, और दोस्तों जो महिलाएं धन आगमन के उपाय कर लें तो साक्षात समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद तुलसी को जल देने के बाद तुलसी के सामने एक घी का दीपक करना चाहिए और आपके लिए एक प्रार्थना करनी चाहिए, और सुबह जल्दी उठकर आप सुगंधित द्रव्य लगाकर अपने पति के लिए जो भी कार्य है उनको करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी महिलाएं जो गंदी और स्नान नहीं करती है, जिस घर के पत्नी गंदे कपड़े पहनती है और रोज स्नान नहीं करती है उस घर के अंदर लक्ष्मी भूल कर भी नहीं आती, ऐसी महिलाओं के पति का भाग्य काम नहीं करता, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सुसज्जित रह के पतिव्रता रह के हर कार्य करना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर खुशियां आने के लिए बेताब होगी और आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आएगा। दोस्तों इसी तरह मुंह से कड़वा बोलने वाली महिलाएं, जिस घर में पत्नियां लड़ाई झगड़ा और बहुत ही कड़वा बोलती है ऐसे घरों में लक्ष्मी रूठ जाती है, पत्नी ऐसी पत्नी आने से घर में सुख समृद्धि चली जाती है, तो मुंह में मिठास रखने वाली महिलाओं के घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करती है, उस घर के अंदर लक्ष्मी सदैव निवास करती है और उस घर के अंदर आधे काम तो ऐसे ही बनते जाते हैं। दोस्तों इसी तरह कुछ महिलाओं की आदत होती है कि भूख से अधिक भोजन करना, जिस घर में पत्नी भूख से अधिक खाना खाती है और जूठे हाथों से खाने को छूती है ऐसे या किसी मादक पदार्थ का सेवन करती है, ऐसा घर बर्बाद होने में बहुत ही कम समय लगता है, उस घर के अंदर दोस्तों परेशानियां बहुत ही जल्दी आ जाती है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर विपत्ति आने को है, तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह दूसरे पुरुष से प्रेम करना, जो आप पत्नी अपने पति के सिवाय अन्य पुरुष से प्रेम करती है ऐसे घर में दरिद्रता जरूर आती है और माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती है। दोस्तों आपको तो अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर रहना चाहिए और आपको कभी भी ऐसे कार्य के अंदर लिप्त नहीं होना चाहिए जो गैर पतिव्रता के कार्य हो, अन्यथा आपके घर परिवार के अंदर दोस्तों खुश की बजाय दुख आने लगते हैं और साथ ही साथ देवताओं का आपके घर के अंदर से आवास अपने आप ही कम होने लगता है। दोस्तों इसी तरह देर तक सोना, जिस घर के
औरत देर तक सोती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, उसके घर के अंदर बर्बादी शुरू हो जाती। इसलिए महिलाओं को घर के ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान आदि करके पूजा पाठ के कार्यों के अंदर लिप्त हो जाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कहीं महिलाओं का हमें कमेंट आता है कि क्या हम हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, क्या हनुमान जी की पूजा हम कर सकते हैं क्या। आपसे जितना हो सकता है आप पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बस अपने धर्म का पालन करते हुए आप कोई भी कार्य करेंगे तो वह अशुभ नहीं होता। जो कहते हैं कि हाँ हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती तो यह गलत है। आपको देवताओं की पूजा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हनुमान जी एक ब्रह्मचर्य देवता है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपको उनका मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे कार्य नहीं करें जिसकी वजह से उनके ब्रह्मचर्य के अंदर खलल पड़े। बाकी आप निश्चित तौर से उनकी पूजा कीजिए, आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है और भगवान हनुमान जी की वजह से आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।